दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे घर में रखना बहुत शुभ और लाभदायक होते हैं। उन प्लांट्स को जो है रखने से घर में पॉजिटिव वाइब आती है और मेडिसिनल वैल्यू है तो है ही फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा घर में रखना होता है उस प्लांट्स को। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर में पॉजिटिव वाइब को घर में लाते हैं और निगेटिव वाइब को बाहर छोड़ते हैं। तो हर घर में ये पौधा ज़रूरी होना चाहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अंत तक बने रहें, माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में स्वागत है आप सभी लोगों को, मेरे YouTube परिवार को। फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग नए आए हों तो अगर वीडियो अच्छा लगे और जो है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं तरह तरह की ऐसे लेकर के आती रहती हूँ नई नई जानकारियों के साथ में। तो फ्रेंड्स दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन में घंटी को जाकर के प्रेस कर लें, क्योंकि मैं कोई सा वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो मेरे साथ अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत यूज़फुल वीडियो है फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं आप, इनमें मंजरी देख रहे हैं कितनी तेज़ी से लगी हुई है तुलसी जी में। तो ये मंजरी को हटा दें समय समय पर और मंजरी को धीरे धीरे करके ऐसे काट दें। कुछ लोग तो हाथ से काट देते हैं, तोड़ते हैं, और फ्रेंड्स मैं तो इनको कैंची लगा के इनको काट रही हूँ फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स ये संडे के दिन का नहीं वीडियो है, ये वीडियो शनिवार का मैंने बनाया था, शुक्रवार को उसका दिन का वीडियो है फ्रेंड्स ये। ना आप लोग ये सोचें कि संडे में ये मंजरी को काट रहे हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स संडे में मंजरी को नहीं, बिल्कुल नहीं काटते हैं, तुलसी जी को छूते भी नहीं हैं। मंगल और इतवार को, रविवार को तुलसी जी को बिल्कुल नहीं छूते हैं, मंगल को बिल्कुल नहीं छूते हैं। कुछ लोगों का मानना है फ्रेंड्स कि शुक्रवार को भी नहीं तुलसी को छूते हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं कि एकादशी को तुलसी को जो है थोड़ा नहीं छूते हैं, और संडे में मान्यता ऐसी है कि तुलसी जी व्रत रहती हैं तो इसलिए नहीं छुआ जाता है। और फ्रेंड्स इसमें हम तो ये जानते हैं फ्रेंड्स कि शुक्रवार के दिन गाय का दूध हो या कच्चा दूध हो फ्रेंड्स तुलसी जी में ज़रूर चढ़ाएं। ये है कि पत्तियों को नहीं फालतू में तोड़ें, अगर ज़रूरत समझें तभी तोड़ें, लेकिन रविवार और मंगलवार को बिल्कुल पत्तियां ना तोड़ें फ्रेंड्स। बताते हैं कि दोष लगता है, और जो है एकादशी को भी पत्तियां नहीं तोड़ी जाती हैं फ्रेंड्स। तुलसी जी एकादशी व्रत रहती हैं, बताते हैं कि निर्जला व्रत रहती हैं, तो ये सब चीज़ों का मान्यता है फ्रेंड्स। और भी आप लोग और भी किसी का वीडियो देख लें जाने फ्रेंड्स, मैंने भी पूर्वजों से सुना है तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये फ्रेंड्स इनको बूसी करने के लिए जब इनकी टहनियाँ ऐसे काटते जाएंगे, काटने के साथ में फिर ये और घनी होती हैं जब, और तुलसी जी की मंजरी को फेंकें कहीं नहीं, इसको तुलसी जी की मंजरी या तो गमले में ही डाल दें या फ्रेंड्स जो है रख लें घर में, तो ये जो है सुखा करके, तो ये मंजरी जो है हमारी पूजा के काम में भी बहुत आती है। तो ये पत्तियाँ जो ज़मीन में गिर जाती हैं उनको भी बाहर ना फेंकें, पैरों में ना पड़े पत्तियाँ, क्योंकि हमारी तुलसी जी पूजनी बताई गई हैं, पूजनी हैं भी। तो ये और तुलसी जी में मेडिसिनल वैल्यू भर भर के है फ्रेंड्स। इसमें कैसी भी खांसी आ रही हो, कितनी भी ज़बरदस्त खांसी आ रही हो, जुकाम हो, तुलसी की पत्ती को कूट करके काढ़ा बना करके पिए तो खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और जो है जुखाम ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है, जल्दी से ठीक हो जाता है। गले में खराश हो रही फ्रेंड्स वो भी ठीक हो जाती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुलसी एक मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है तुलसी के प्लांट में। तो तुलसी जी के प्लांट घर में अवश्य लगाएँ, और समय इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। अगर जल ज़्यादा लोग हैं घर में, ज़्यादा जल चढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स वो थोड़ा सा जल चढ़ा करके किसी गमले में डाल दें, तुलसी जी के सामने ले जाएं, बगल में गमला रखें या किसी कटोरे में भर करके रख लें फ्रेंड्स, उस तरह से डाल सकते हैं। तो ऐसे तुलसी जी की सेवा करें और जो है तुलसी जी के जड़ों में सड़ने से बचाएँ। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे जेट प्लांट्स की जो मैंने टोपियारी बनाई हैं,
तो ये फ्रेंड्स देख रहे हैं पीकॉक कितनी सुंदर सी लग रही हैं, और ये 6 मंथ का ये है फ्रेंड्स, ये जो है मैंने कटिंग से ग्रो करके लगाए थे। तो ऐसे मैंने ढेरों DIY बना करके तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो एक बार मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और जो है ये देखिए मैं टोपियारी इतनी तरह तरह की बनाती हूँ, बोनसाई लुक भी मैंने बहुत दिए हैं फ्रेंड्स, और मैंने कई एक ऐसे सेफ हैं बहुत अच्छे अच्छे सेफ दिए फ्रेंड्स, मैंने दिल का भी सेफ दिया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा रहा। देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर सा ये बॉल शेप दिख रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके अंदर मैंने नारियल जो सूखा हुआ नारियल होता वो भरे हैं, खाली डिब्बे भरे हैं, किसी में कपड़े से भर करके इनमें मैंने बॉल बनाई है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घरों में ऐसे गार्डनिंग करें और अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बाय बाय।